so the question is phase space diagram are useful tools in analyzing all kinds of dynamic problem they are especially useful in studying the changes in motion as initial position and momentum are changed here we consider some simple dynamic system in one dimension for such system phase space is the plane in which position is plotted along horizontal axis and momentum is plotted along vertical axis okay? phase space diagram is x t versus pt curve in this plane द एरो ऑन द कर्व इंडिकेट्स द टाइम फ्लो यानी टाइम के बढ़ने घटने की बात बता रही फॉर एग्जाम्पल द फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर तो ये आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी वी यूज द साइन कन्वेंशन इन विच पोजिशन और मोमेंटम अपवर्ड और टूट राइट इज पॉजिटिव यानी अगर आपका ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो उसके मोमेंटम को आप पॉजिटिव मानेंगे या फिर ग्राफ में राइट साइड आ रहा है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे बात समझ में आ गई इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड और टू लेफ्ट यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या फिर ग्राफ आपका लेफ्ट में जा रहा है तो उसको आप क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ किसका बनाना है द फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड यानी आपको बॉल को किधर फेंकना है भैया ऊपर की तरफ फेंकना है अब देखते हैं इसको यहां से समझते हैं मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका है तो भैया मैं अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंकूंगा मेरे पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी रहेगी यानी देखो मोमेंटम का फॉमूला होता है मास इंटू वेलासिटी तो मास तो कभी भी चेंज हो नहीं सकता ले देखे वेलोसिटी चेंज होगी यानी आपको वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ ही पूछा है बात समझ में आई अब जब मैंने इसको यहाँ से किसी न किसी यू वैलोसिटी फेंका है तो इसका मोमेंटम क्या होगा पी इज इक्वल टू एम यू और मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ यानी मोमेंटम कैसा होगा मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा मतलब इसका ग्राफ किधर की तरफ जाएगा राइट साइड की तरफ जाएगा अब जब ये इससे मैक्सिमम पॉइंट हाइट पर पहुंच जाएगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी इस पोजीशन को हम क्या मान रहे हैं रेफरेंस मान रहे हैं तो रेफरेंस मतलब इसको हमने मान लिया एक्स एज इक्वल टू जीरो यानी एक्स एज इक्वल टू जीरो पर कोई ना कोई मोमेंटम की पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके बाद वो क्या कर रहा होगा बेटा डिक्रीज़ कर रहा होगा और डिक्रीज कब तक करेगा भैया जीरो तक क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो अब उसके बाद मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा फिर से बढ़ेगा क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा उसके बाद वापस भी तो आएगा तो वापस आएगा नीचे की तरफ और इसी इसी पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा इसी वेलोसिटी से यही हमारा कंसेप्ट बोलता है मगर इस बार ऑब्जेक्ट की आ रहा है भैया नीचे तो मोमेंटम कैसा हो गया आपका नेगेटिव में बढ़ेगा बढ़ेगा तो सही मगर नेगेटिव में बढ़ेगा बढ़ेगा मगर नेगेटिव में बढ़ेगा अब ये पूरी जानकारी अपने माइंड में रखते हुए चार ऑप्शन को चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कोई मोमेंटम की पॉजिटिव वैल्यू है चलो एक तो बात क्लियर हुई अब उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ये कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा और इसका मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा तो सीधी सी बात है भैया इसने टाइम कवर किया और इसने इसका पोजिशन क्या हो गया जीरो हो गया इसका कुछ पोजिशन आया और मोमेंटम क्या हो गया जीरो हो गया और ये राइट right साइड में ही जा रहा है तो पॉजिटिव माना जाएगा उसके बाद फिर से ग्राफ है एक एक और ग्राफ है यानी वापस नीचे आने का ग्राफ है तो जब नीचे आएगा तो मोमेंटम क्या होगा नेगेटिव में बढ़ेगा कैसा बढ़ेगा नेगेटिव में और नेगेटिव का ग्राफ कैसा बताया उसने ऐसा कैसा बताया उसने ऐसा ये वाला नेगेटिव का है ये वाला पॉजिटिव का है तो ये तो सही है मगर नेगेटिव का ग्राफ नहीं है इसमें ये भी पॉजिटिव का ही है ये तो बढ़ने का ग्राफ है ना तो ये भैया आपका आंसर नहीं होगा ठीक है आधा ग्राफ तो मैच कर रहा है आधा नहीं कर रहा है ठीक है इसमें भी देखते हैं हम तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मोमेंटम की कोई वैल्यू तो है मगर ये तो नेगेटिव वैल्यू है भैया ये तो नेगेटिव वैल्यू ना नीचे जा रहा है तो ये तो नहीं होगा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें तो यहाँ एक्सज इक्वल टू जीरो पर मोमेंटम की पॉजिटिव वैल्यू है सही बात है ये तो क्लियर हुई मगर उसके बाद वो मोमेंटम क्या हो रहा है डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है तो डिक्रीज होने के लिए कौन सा ग्राफ है भैया वो तो ऐसा ही ग्राफ जाएगा ना डिक्रीज होकर जीरो होगा पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव साइड में डिक्रीज होकर जीरो होगा तो ये वाला आंसर आना चाहिए इसमें तो उल्टा ही ग्राफ जा रहा है तो ये भी नहीं आएगा ये तीन नहीं आए तो वो करेक्ट होगा अब देख लीजिए आप मोमेंटम का मतलब क्या वेलोसिटी देख लो वेलोसिटी वर्सेज एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी उसके बाद जैसे जैसे वो हाइट कवर किया यानी उसने पोजिशन कवर की वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या हो गई जीरो हो गई और वो भी ये यही वाला कैस दिखा रहा है पॉजिटिव को अब वापस यहाँ से जब नीचे आया तो मोमेंटम बढ़ा वापस उतना हुआ पी इज इक्वल टू एम यू ही हुआ ना वापिस मगर किधर हुआ नेगेटिव की तरफ में और ये वाला ग्राफ जो इधर की तरफ आ रहा है ये किसको दिखा रहा है नेगेटिव को दिखा रहा है मगर ये दिखा रहा है इंक्रीमेंट को तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए आपको मोमेंटम नहीं वी वर्सेस इसका ग्राफ बनाना है बात समझ में आ गई